अवैध वसूली का प्रयास तथा तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को हट्टा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। एएसएफ जवान ने की महिला आरक्षक पत्नी की गला दबाकर हत्या। सीएम हेल्पलाइन पर पुख्ता जवाब दर्ज कराना आवश्यक। ग्राम साले टेका में स्थित शराब दुकान के मैनेजर जसवंत यादव को आरोपी सरवन मस्करे और सुधीर नागपुरे द्वारा अवैध रूप से अड़ीबाजी करते हुए फ्री में शराब और मुर्गा खाने के लिए पैसों की मांग की। मैनेजर द्वारा बिना रुपये के शराब तथा पैसे देने से मना करने पर आरोपियों द्वारा अपने साथी रवि विश्वकर्मा व गजेंद्र लेल्हारे के साथ मिलकर मैनेजर के साथ मारपीट से चोट पहुंचाए और शराब दुकान में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। प्रार्थी मैनेजर की रिपोर्ट पर थाना हट्टा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 महाराणा प्रताप नगर बूढ़ी में किराए के मकान में रह रही पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक उपासना बघेल, पुलिस लाइन में पदस्थ उसके पति एएसएफ जवान विशाल उर्फ टीनू जगन्नाथ बघेल ने 3 नवंबर की रात गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति विशाल ने 4 नवंबर की सुबह कोतवाली थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। कोतवाली थाने में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतिका के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। महिला आरक्षक है, उसका मर्डर हो गया है। घटनास्थल पर आकर देखा तो उसका पति जो कि एक एसएफ में आरक्षक है, उसके द्वारा उस पत्नी का गला घोटकर उसको हत्या कर दी गई है और पति ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था थाने पर जाकर के, उसी ने पूरी कार्रवाई बताई थी। घटनास्थल पर आकर हम लोग ने मौका देखा, महिला देखी और अभी प्रारंभिक कार्रवाई उसके अनुसार की जा रही है। ये रात में फोर व्हीलर गाड़ी से गया बालाघाट, यहाँ से 2-3-4 लोगों को लेके गया और अचानक जाके घर में धावा बोल दिया, जयदीप बघेल को गोली मारा दो, अभी दिखा दो, वो भी दिखा देंगे। फिर उनको शायद पुलिस ने कार्रवाई की थी और की थी ना वो, इतना बड़ा कांड किया और उसके बाद ये बटालियन का था, ये इंदौर गया और इंदौर से जाके फिर ये बहाल होके आ गया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में विशेष जोर दिया है। उन्होंने उन विभागों को खास तौर पर पुख्ता जवाब प्रविष्ट करने को कहा है जिन विभागों में अधिकांश शिकायतें हैं और उनके जवाब संतोषजनक नहीं हैं। नगर पालिका बालाघाट को सीएम हेल्पलाइन पर पीएम आवास शहरी के संबंध में कहा है कि हितग्राहियों को आवास नहीं दे पा रहे हैं, उनकी किस्त भी नहीं कट रही है, गलती नगर पालिका की है, इसके शिकायतें फोर्स क्लॉज नहीं की जाएंगी, विभाग संवेदनशील होकर कार्य करे। बैठक में निर्वाचन नामावली में जेंडर रेशियो व एपिक रेशियो ठीक करने के संबंध में लांजी व परसवाड़ा एसडीएम को कार्य करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक बालाघाट नगेंद्र सिंह के निर्देश पर बालाघाट पुलिस द्वारा नियम विरुद्ध एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बुलेट वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डावर एवं नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट अंजुल आयंक के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 3 मॉडिफाइड साइलेंसर्स का उपयोग कर तेज आवाज उत्पन्न करने वाले बुलेट चालकों पर कार्रवाई कर साइलेंसर को निकाला गया है तथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है।